पूरा पूरा हाथ है सब, योगी योगी का हाथ है सीधा, हाथ छोड़ खड़े हो गए, जब वो हाथ अकेले उठा दिए ना तब जाके पकड़े हैं। उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी तो फिर कम से कम उनके साथ कुछ तो रियायत करना चाहिए। 10 राउंड की फायरिंग हुई, उसमें कुछ पुलिस वालों को भी तो लगना चाहिए। ऐसे तभी मुसलमान होते तो मार लेते हैं, खाली मुसलमान पर आफत आ रही हो कोई ऊपर नहीं। राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही आता है। अब जरा सोचिए कि राजनीति की नजर से ये राज्य और साथ ही यहां के राजनेता कितना दबदबा बनाते होंगे। ऐसा ही दबदबा था अतीक अहमद का। सुनते ही अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता था। अतीक इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद की मौत का शोर आज हर तरफ है। अतीक और अशरफ को गए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों की मौत के बाद भी कई हैरत अंगेज खुलासे सामने आ रहे हैं जो आपको सन्न कर देंगे। आज हम आपको अतीक द एंड ऑफ एम्पायर में उस बाहुबली की जिंदगी से जुड़े हर वो राज बताएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडी टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। अतीक तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक लेटर छोड़ गया है। शायद उसे पहले से ही अपनी मौत होने की भनक थी, इसलिए मरने से ठीक 2 हफ्ते पहले उसने ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखा, जिसमें उसने अपनी हत्या की आशंका भी जताई। लेटर के आखिरी में अतीक ने अपने नाम के आगे पूर्व सांसद लिखा। इधर अतीक के भाई अशरफ की भी एक चिट्ठी चीफ जस्टिस और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच सकती है, और बताया जा रहा है कि इसमें अशरफ ने उन लोगों के नाम का जिक्र किया है जो आगे चलकर इन दोनों भाइयों को खत्म करना चाहते थे। इस बीच जेल के अंदर भी एक पुलिस अधिकारी अशरफ और अतीक को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अशरफ ने कहा भी था कि मुझे जेल में नहीं बल्कि बाहर खतरा महसूस होता है, और देखिए ना आखिरी में हुआ भी वही। अहमद ब्रदर्स के एनकाउंटर ने पुलिस की लापरवाही के साथ साथ मीडिया वालों पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि रूटीन चेकअप से पहले अस्पताल गेट पर मीडिया कर्मियों को सवाल करने की छूट कैसे दी गई। सवाल ये भी है कि अतीक अशरफ की जब भी पेशी हुई तो सुरक्षा में 1000 से ज्यादा पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान लगाए जाते थे। जेल से बकायदा बायोमेट्रिक लॉक वाली प्रिजन वैन में उन्हें लाया जाता था। फिर उस दिन सुरक्षा क्यों सुस्त और लचर दिखी, और उससे भी बड़ा सवाल कि हत्या वाले दिन ये दोनों एक ही हथकड़ी की चेन में हाथ बांधकर क्यों घुमाए जा रहे हैं। खैर, सवाल तो कई हैं और जवाब भी जल्द ही सामने आएंगे, लेकिन अतीक के दहशत गर्द बनने का सफर इतना आसान नहीं था। एक तांगे वाले का लड़का कैसे बना इतना बड़ा क्रिमिनल, स्टोरी बहुत दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज से, जो उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था। उन दिनों वहाँ नए कॉलेज बन रहे थे, शहर में नए उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके भी बट रहे थे। दौर ऐसा था कि नए लड़कों में अमीर बनने का जो जुनून था वो सर चढ़कर बोल रहा था। वो अमीर बनने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते थे। बस यहीं से शुरू होता है एक तांगे वाले के लड़के की कहानी। तारीख थी 10 अगस्त 1962। इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाने वाले फिरोज के घर में एक लड़का पैदा होता है। किसी ने तब ये नहीं सोचा था कि उसका यही बेटा एक दिन पूरे प्रदेश पर राज करेगा, राज भी ऐसा कि वो माफिया के नाम से जाना जाएगा। इलाहाबाद में एक मोहल्ला है दोस्तों, नाम है चकिया, जहां इस मोहल्ले का लड़का अतीक अपने स्कूल के दिनों में फेल हो गया था। वो साल था 1970 का। उम्र छोटी और पढ़ाई में मन ना लगना, लेकिन अमीर बनने का चस्का इस हद तक चढ़ चुका था कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उम्र थी 17 साल जब उस पर पहली बार हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसका धंधा मानो चल पड़ा, वो खूब रंगदारी वसूलने लगा, और उस 17 साल के बच्चे का नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। इस नाम से मोहल्ले में फेमस हो चुका था। यहीं से शुरू हुई अतीक के क्रिमिनल बनने की कहानी। ये वही माफिया है जिसने पहले क्राइम के दम पर अपनी पहचान बनाई और फिर उसी पहचान के बलबूते राजनीति में एंट्री ली। मात्र 28 साल की उम्र में जब ये विधायक बना तो इसकी पावर दुगनी और चौगनी हो गई। जिसने भी इससे पंगा लेने की कोशिश की ना, वो मिट्टी में मिल गया।
इसका वक्त ऐसा चल रहा था कि हाई प्रोफाइल हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक नाम आता, अतीक। इस पर एक के बाद एक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कभी किसी केस में इसे सजा नहीं हुई। 44 साल बीते और वो दिन आखिर आ गया जब अतीक को पहली बार सजा सुनाई गई। वो दिन था 28 मार्च 2023, जब अतीक को 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस पे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अतीक को भी एहसास हो गया था कि अब जेल से बचने के लिए राजनीति उसके काम आ सकती है। फिर उसने राजनीति दुनिया में कदम रखा। प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से पर अतीक अहमद का दबदबा था। साल 1989 तक अतीक पर करीब 20 मामले दर्ज हो चुके थे। जब उसने पहली बार विधायकी लड़ने का फैसला किया वो साल था 1989। किसी पार्टी का टिकट ना मिलने की वजह से वो निर्दलीय खड़ा हो गया। फिर चुनाव हुआ, नतीजे आए, अतीक को 25,906 वोट मिले। वो 8,102 वोट जीतकर पहली बार विधायक बन गया। अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 93 में भी लगातार चुनाव जीते हैं। इस बीच सपा से उसकी मेलजोल बढ़ी। साल 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बन गया। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थामा और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, हालांकि यहां वो जीत हासिल नहीं कर पाया। फिर उसने 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़ा और पांचवी बार शहर पश्चिमी से विधानसभा में पहुंच गया। साल 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक की सपा में वापसी हुई। अतीक ने 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और सांसद पहुंच गया। जब इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम, जिसे आप इन दिनों अशरफ के नाम से जानते हैं, उसे मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। नतीजन 4,000 वोटों से जीतकर विधायक बने बसपा के राजूपाल। जी हाँ, वही राजूपाल जिसे कभी अतीक का दाहिना हाथ कहा जाता था। उस वक्त राजूपाल पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। यही वो वक्त था जब अतीक के पतन की कहानी शुरू हो चुकी। राजूपाल से अतीक को हार बर्दाश्त नहीं हुई। साल 2004 और महीना अक्टूबर था जब राजू विधायक बने और उसके अगले महीने नवंबर में ही राजू के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग शुरू हुई। तब राजूपाल तो बच गए। 25 जनवरी 2005, राजूपाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया। उन पर कई गोलियां चलाई गई, 19 गोलियां उनको लग चुकी थी। डॉक्टर ने राजू को मृत घोषित कर दिया। इधर राजूपाल की हत्या से उनका पूरा परिवार बिखर चुका था। 9 दिन पहले ही राजू की शादी हुई थी। पत्नी पूजा पाल ने अतीक और भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। बसपा ने पूजा पाल को चुनाव में उतारा, वहीं सपा ने दोबारा अशरफ को टिकट दिया। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस वक्त पूजा मंच पर अपने हाथ दिखाकर रोने लगी थी। फिर भी पूजा पाल को जनता का समर्थन नहीं मिला। खैर, उस वक्त अतीक का खौफ इतना ज्यादा था कि इसी का नतीजा हुआ कि अशरफ चुनाव जीत गया। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन वो माफिया वाली अपनी छवि से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। नेता बनने के बाद उसके अपराधों की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई और यही वजह है कि उसके ऊपर अधिकतर केस विधायक और सांसद रहते हुए दर्ज। ऐसा कहा जाता है कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की, आवाज उठाने की कोशिश करता था वो मार दिया जाता था। उस वक्त अतीक के खिलाफ अब तक 101 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। साल 2007 में बसपा की सरकार के आने से हालात में बदलाव शुरू हो गए थे। अब अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी। राजू पाल की मौत को 2 साल बीत चुके थे। साल 2007 का समय था और इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा पाल और अशरफ आमने सामने आपसी टकराव में खड़े थे, लेकिन इस बार पूजा ने बाजी मारते हुए अशरफ को पछाड़ दिया। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। अतीक को सपा से गैंग दिया गया, करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई, खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। अतीक फरार चल रहा था और एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। अचानक से दिल्ली पुलिस की तरफ से खबर आई कि हमने दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस आई और अतीक को जेल में डाल दिया गया। 2005 में हुई विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। 24 फरवरी शुक्रवार को करीब 4:30 बजे उमेश कार से वापस सुलेम सराय धूमनगंज के पास अपने घर के लिए चल दिए। जैसे ही गेट पर गाड़ी रोककर उमेश उतरे, पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उमेश गोली लगने से गिरने के बाद उठकर घर के भीतर भागने लगे। उनकी सुरक्षा में लगे दोनों सिपाही भी उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर भागे। बम और गोलियों की बौछार से इलाका थर्रा गया। हमलावर वहां से फरार हो गए। उमेश पाल, सिपाही संदीप और राघवेंद्र लहूलुहान पड़े थे। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद वो नाम बन चुका है जिसे सुनकर पूरा पूर्वांचल डर कर पसीने से भीग जाए, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद अतीक का दबदबा कम होने लगा।
अब समय का पहिया कुछ इस तरह घूमा है दोस्तों कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। इसी का नतीजा है कि उसकी ये घिग्गी बंद गई। योगी राज में गुंडागर्दी करने वालों को अब सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। उमेश पाल की हत्या के बाद विधानसभा में इसकी गूंज भी सुनाई दी। योगी आदित्यनाथ ने सपा को अतीक अहमद को पोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चोरी और सीना चोरी करते हैं। फिर जो सीएम योगी ने कहा वो आप खुद ही सुन लीजिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज की घटना के अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। नतीजा ये हुआ कि अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। हजारों लोगों का घर उजाड़ने वाले अतीक का घर उजड़ गया। वो अतीक जिसने कई लोगों को खून के आंसू रुलाया था कभी, आज वो खुद दर्दनाक मौत के चलते दुनिया में नहीं है। कितनी सारी गोलियां लगी और कितना खून बहा, लेकिन जितने भी अतीक से नफरत करने वाले लोग हैं ना, आज वो बहुत खुश है। फिलहाल अतीक के एनकाउंटर की ये कहानी और पूरे जीवन चर्या को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और देखते रहे इंडी टाइम्स, क्योंकि जहां सच है वहां हम हैं।